बाबा के पास। वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की याद जाकर के दी और विशेष भोग लगवाने वाले भाई बहनों की भी याद दी, टीचर्स बहनों की भी याद दी। याद देते बाबा ने आज वतन में बहुत ही शक्ति स्वरूपा अनेक देवियों के रूप में इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि विशेष शक्तियों का झुंड आया है, इसलिए बाबा विशेष शक्तियों को अनेक रूपों में देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि जैसे जिस भी देवी देवता का दिन होता है, समय होता है, जैसे समय के अनुसार कल गणेश चतुर्थी का दिन है तो गणेश की मूर्ति रखेंगे, सजाएंगे एक की, पर आज बाबा शक्ति स्वरूपा देवियों के रूप में बहनों को बाबा ने इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शक्ति देवी का विशेष दो रूप होता है, एक होता है आशीर्वाद का और दूसरा दातापन का, ऊपर भी हाथ होता है नीचे भी हाथ होता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने आज विशेष निमित्त टीचर्स को भी वतन में इमर्ज करते बाबा यह रूप दिखा रहे हैं अनेक देवियों का। देवियां एक नहीं थी, अनेक, दुर्गा कहें, काली कहें, लक्ष्मी कहें, सरस्वती कहें, अनेक देवियों। अभी नज़दीक में देवियों का भी दिन आ रहे हैं। बाबा ने कहा कि देवियों का विशेष दो वरदान, दातापन का और आशीर्वाद का। बाबा ने कहा कि बाप तो बच्चों को अनेक प्रकार से, अनेक रूपों से बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, पर निमित्त सभी शक्तियाँ आई हैं, निमित्त टीचर्स आई हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी समय परिवर्तनशील हो रहा है, समय के अनुसार हर शक्ति को अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। दुनिया में जो चाहते हैं उस शक्ति के आगे खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी से धन मांगना होगा तो खड़े हो जाएंगे, सरस्वती से विद्या मांगेंगे तो हाथ फैलाएंगे, पुस्तक रखेंगे। पर बाबा ने कहा कि आज जो बाबा बच्चों को वतन में अनेक शक्तियों का रूप दिखा रहे हैं, तो बाबा ने कहा समय के अनुसार आप बहनों को, आप शक्तियों को अभी वरदानी आशीर्वाद का, दातापन का पाठ बजाना है, क्योंकि समय के अनुसार आज हर एक आत्मा
बाबा ने कहा कि कुछ ना कुछ लेने की चातरक बनी हुई है, लेने की भावना बनी हुई है कि मुझे कुछ प्राप्त होवे, सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले। बाबा ने कहा चाहना कितनी है दुनिया में लोगों की। यदि आप सर्व शक्तियां हैं, सभी शक्तियां, बाबा ने कहा यह कार्य सभी सारे विश्व के बच्चे आप यह कार्य करने में बाबा के मददगार होंगे, तो बाबा ने कहा यह कार्य बहुत जल्दी संपन्न और संपूर्ण बनेगा। बाबा ने कहा कि लास्ट का समय हर आत्मा को, हम बाबा के बच्चों को कुछ न कुछ देना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। बाबा ने कहा लेना, मांगना बाबा से है, क्योंकि बाबा तो सर्व कुछ देने वाला दाता है, पर आप बाबा के बच्चे निमित टीचर्स बहने। बाबा ने कहा देने की, दातापन की भावना, आशीर्वाद की भावना ऐसे रख के चलेंगे, तो बाबा ने कहा कि बहुत जल्दी जो सत्यों की स्थापना का कार्य संपन्न होगा। फिर बाबा ने उसके ऊपर कहा कि देखो बाबा, मम्मा ने किसी से मांगा नहीं, दादियों ने कभी किसी से मांगा नहीं, सदैव दातापन होकर दादियां भी देती रहीं, और देने का अर्थ है कि बाबा का घर भी उसी प्रकार भरपूर और संपन्न बना है। इसलिए बाबा ने कहा आज बाबा चारों तरफ के बच्चों को, चारों तरफ की बहनों को, सारे विश्व को, बच्चों को देख रहे हैं कि अभी दातापन का कार्य हर ब्राह्मण बच्चे को करना है। तो ऐसे कहते बाबा ने विशेष आज सदगुरु बार के दिन हम सभी को ये विशेष वरदान दिया, और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा को भी आज विशेष कई आत्माओं की विशेष याद दी। बाबा ने भी उन बच्चों को विशेष इमर्ज करते बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाकी तो कई भोग लगवाने वाले मर्जीवा के होते हैं, खुशी का होते हैं, तो बाबा ने कहा कि बाबा के घर में कुछ ना कुछ संकल्प लेकर के आते हैं, और बाबा भी उस संकल्प को बच्चों का पूरा करते ही हैं। फिर तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया, और फिर सभी निमित टीचर्स बहनों को भी और सभी भाई बहनों को, चारों तरफ के बच्चों को आज विशेष, जो जहाँ भी बैठे हैं, चाहे मनमोहिनी वन में बैठे हैं, चाहे मानसरोवर बैठे हैं, चारों स्थान के बच्चों को बाबा ने बहुत बहुत दिल की याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।